दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे मार्टिन के सातवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म की अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में ध्रुवा सर्जा लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म को एपी अर्जुन ने डायरेक्ट किया है और फिल्म की कहानी अर्जुन सर्जा ने लिखे है। बात करें रनिंग टाइम की तो ये फिल्म 2 घंटे 24 मिनट लंबी फिल्म है। वही बात करें स्क्रीन काउंट की तो इस फिल्म को इंडिया में 1500 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है तो ओवरसीज 700 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। यानी इस फिल्म को दुनिया भर में 2200 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 6,57,00,000 का नेट कलेक्शन किया था तो अपने दूसरे दिन में 5,50,00,000 का, तीसरे दिन में 3,35,00,000 का, चौथे दिन में 1,32,00,000 का, पांचवे दिन में 1,05,00,000 का और अपने छठे दिन में यानी बुधवार के दिन में लगभग 64,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, जिससे इस फिल्म का 6 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 18,54,00,000 हो चुका है तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 22,95,00,000 हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज से 1,10,00,000 का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का 6 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 23,05,00,000 हो चुका है। बात करें सातवें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने सातवें दिन में इंडिया में 42,00,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है।